दोस्तों, करीना कपूर खान की एक फिल्म आई है द बकिंगम मर्डर्स, जो इंग्लैंड के बकिंगम शहर में एक मर्डर हो जाता है एक बच्चे का, जो कि ब्रिटिश इंडियन लड़का है 11 साल का। अब इसकी मौत की जो जांच है, इसकी जांच किसको दी गई है? करीना कपूर को। यानी कि इस फिल्म में जो इनका ना किरदार है जसमीत भामरा का, पहले तो मुझे लगा कि जसप्रीत बुमराह के नाम का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन ध्यान से जब फिल्म में देखा तो पता चला भाई जसमीत बुमराह नहीं, जसप्रीत भामरा है। तो दोनों में बड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तो करीना कपूर इस फिल्म में अपने उलझनों में उलझी हुई है, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रही हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में उलझ कर रह गई हैं। तो जब ये केस इनके पास आता है तब ये केस लेना नहीं चाहती है, लेकिन फिर कुछ ऐसी प्रेरणा मिलती है कि कहती कि नहीं नहीं भैया, आप तो केस मैं ही लड़ूंगी। तो ये केस लड़ती हैं, इन्हें बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, फाइनली वो वहां तक पहुंच जाती है जहां तक इन्हें पहुंचना होता है। फिल्म आप कह सकते हैं कि ओके है, ओके नहीं भी है, मुझे तो कुछ खास नहीं लगी, लेकिन पता नहीं इस फिल्म ने पहले दिन कैसे 1 करोड़ 15 लाख रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म का बस माहौल बनाया गया, ये फिल्म कई फिल्मों से प्रेरणा लेकर बनाई गई है। ऐसी बहुत सारी फिल्में आप ऑलरेडी बॉलीवुड में देख चुके हैं, बस इधर उधर ताम झाम करके बस बना दी गई है। और करीना कपूर खान की एक्टिंग की बात छोड़ो, पहली बात, करीना कपूर खान इस फिल्म में इतनी बूढ़ी क्यों लग रही है? इतना घमंड एटीट्यूड दिखाती हैं कि मैं यंग हूं, जवान हूं, ये हूं, फलाना ढिमकाना हूं, लेकिन भैया पूरी तरह से बुढ़ी लग रही है। और भाई कौन देखने जाएगा इस घमंडी बुढ़ी को।